अलगाड़ी यमुना विकास मंच मसूरी द्वारा बूढ़ी दीपावली मंगसीर बगवाली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाग देवता की पूजा अर्चना कर बगवाल त्योहार मनाया गया। बूढ़ी दीपावली बगवाली या पुरानी दीपावली के नाम से मनाए जाने वाला जनजातीय पर्व धूमधाम के साथ शुरू हुआ। दीपावली से ठीक 30 दिनों के बाद प्रदेश के जौनपुर रवाई और जौनसार बाबर क्षेत्र में मनाए जाने वाले पहाड़ी की मुख्य बूढ़ी दीपावली का आगाज हो गया है। देर शाम गांव में बगवाल का आयोजन भी किया गया, जिसको देवी देवताओं असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के रूप में दर्शाया गया। इसमें बाबई घास से बनी विशाल रस्सी का प्रयोग किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि रस्सी बनाने के लिए बाबई घास को इसी दिन काट कर बनाया जाता है। मान्यता के मुताबिक रस्सी बनाने के बाद स्नान करवा कर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि बगवाल भांड जौनपुर क्षेत्र के मशहूर त्योहार है, जिसे ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र के लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। मसूरी से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी त्योहार है जो दिवाली के एक महीने बाद मनाया जाता है। इसमें हमारे पहाड़ी कल्चर में जो हमारी दिवाली आती है, वो सारी महिलाएं सारे लोग एकत्र होकर इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये हमारा जैसे दिवाली एक त्यौहार होता है, उसी टाइप का हमारा एक त्यौहार है। हाँ, इसमें रस्साकसी भी होती है और इसको भांड भी भांड के नाम से जाना जाता है। इसको खींचा जाता है, इस तरीके से इसको खेला जाता है। इसमें चूड़ा और अखरोट बांटे जाते हैं। हाँ, वो इसको चूड़ा अखरोट वगैरह उसको बांटा जाता है, पिरूड़ी के नाम से उसे इस तरीके से फेंका जाता है, फिर वो पकड़ा। बच्चे गांव नहीं जा पाते, उनके लिए जो है वो काफ़ी अच्छा है। बच्चों के लिए है कि हमारा पहाड़ी कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, तो उनके लिए एक नई सीख है कि हमारा कल्चर इस तरीके से भी मनाया जाता है। इस तरीके से हम इसे वो देख सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, आने वाली जनरेशन को बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से हमारा त्यौहार मनाया जाता है। कि आप सब लोगों को पता है, ये हमारी एक जो बगवाल है, ये घरेलू दिवाली जिसे हम बोलते हैं, घरेलू गाँव की जो हमारी पहाड़ी दिवाली होती है। और ये हमारे ठीक एक महीने बाद, मतलब जो पहाड़ जो देसी दिवाली होती है, उसके ठीक एक महीने बाद हम इसको मनाते हैं। मसूरी में मनाने का एक मकसद ये है कि यहाँ पे हम लोग गांव से उठ के मतलब पलायन ही हो चुका है हमारे एक हिसाब से, तो हम अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहते हैं। कई कारणों से हम लोग घर नहीं जा पा सकते हैं, या हमारे बच्चे न्यू जनरेशन के लिए हमारे बच्चे ठीक टाइम से घर नहीं जा सकते हैं, तो उस कारण से अभी हमें यहाँ पूरा कल्चर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि जो लोग हम लोगों से नहीं है, हमारे लोकल कल्चर से जो नहीं है, कई लोग देसी हैं, कई कोई है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश है। हमारे एक मेल जोल के लिए बहुत अच्छा है।